धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक ही जमीन कई लोगों को बेचने के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें एनआईटी और सिटी सर्वे विभाग के कुछ अधिकारियों की ही मिलीभगत है। ऐसा आरोप फिरियादी सिद्धार्थ पाटिल इन्होंने लगाया। धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक ही जमीन को कई लोगों को बेचने के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला विभागीय आयुक्त संजीव कुमार के सामने आया जिसमें एनआईटी और सिटी सर्वे विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से ही एक सोसाइटी के कुछ प्लॉट्स को दो लोगों के नाम पर चढ़ा दिया गया। दूसरे व्यक्ति ने उन प्लॉट्स पर कब्जा कर पहले को वंचित कर दिया। पीड़ितों ने शिकायत दोनों विभागों, जिलाधिकारी सहित पूर्व पालक मंत्री व मंत्रालय तक की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय आयुक्त ने मामले की जांच के बाद क्राइम ब्रांच उपायुक्त को शिकायतकर्ता को अब 2 करोड़ रुपयों की नुकसान भरपाई देने के लिए सुनवाई शुरू करने को पत्र लिखा है। अगर फैसला पीड़िता के पक्ष में जाता है तो दोषी विभाग के संबंधितों से 2 करोड़ का हर्जाना उसे दिया जाएगा। पीड़ितों का कहना है कि मामले में विभाग के बीच केवल कागजी आदान प्रदान कर टाइम पास करने का काम किया जा रहा है। जो दोषी है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पीड़ित सिद्धार्थ पाटिल ने गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी लिखे अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने बाबुलखेड़ा गांधीनगर को हाउसिंग सोसाइटी में यूएलसी के तहत 6 प्लॉट लिए थे, जिसके रजिस्ट्री के साथ सिटी सर्वे में नाम चढ़ाया था। प्लॉट्स के बाउंड्री वॉल बना दी थी, लेकिन एनआईटी व सिटी सर्वे कुछ अधिकारियों ने उनकी जमीन एक दूसरे व्यक्ति के नाम भी चढ़ा दी, जिसके चलते उस जमीन से सटे हुए दूसरे हाउसिंग सोसाइटी का संचालक पिछले साल मार्च में अपने कुछ लोगों और जेसीबी को लेकर वहां पहुंचा और जबरन कब्जा कर लिया। जब उन्हें इसका पता चला तो संबंधित विभागों, पुलिस को शिकायत की गई। एनआईटी ने तो अपनी गलती स्वीकार कर आदेश बदल कर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उन्हें 2 करोड़ रुपये की जमीन गंवानी पड़ी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। पहले मार्च 2008 में गांधीनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ओर से प्लॉट नंबर 60 और 61 खसरा नंबर 82/1 खरीदी किया था। उसके पश्चात मैंने वो प्लॉट का सिटी सर्वे में म्यूटेशन हो गया है, कॉरपोरेशन में मेरा टैक्स पटा हुआ है और इतने बावजूद भी और मैंने वहाँ मेरा कंपाउंड वॉल डाला था, मैंने कंपाउंड वॉल और गेट हमारा सब वहाँ पे था। और ऑल ऑफ सडन अभी पिछले मार्च 2019 में अमर तृप्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के संचालक या भूमापिया बोलो उनको, अमर तो अपना पंकज दुबे जी, उन्होंने हमारा प्लॉट पर हमारे नहीं, मेरे प्लॉट पे नहीं तो हमारे 6 लोगों के जो प्लॉट थे उन सभी प्लॉट कर बुलडोजर चलाकर नस्तनाबूद कर दिया है। तो ये जब हमारा ही प्लॉट, हमारा ही सब कुछ होने के बाद में उन्होंने इस तरह से किया है, तो ये तो मैत्र मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे पर किया हुआ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।